नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु। आज गोंडा के डंपिंग जोन में आग लोगों की परेशानी का सबब बन रहा है। शुक्रवार की रात को आग के चलते दर्जनों बच्चे बड़े परेशान रहे। ग्रामीण वासियों का कहना है, आए दिन आग लगती रहती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से वहां पर रह रहे कुछ लोगों ने चेतावनी दी है, यदि इस डंपिंग जोन को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया तो उन्हें पलायन करना पड़ेगा। दरअसल यूपी के जिला गोंडा में नगर पालिका परिषद ने पूरे शिवा बख्तावर के पास डंपिंग जोन में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। मंगलवार रात कूड़े के ढेर में लगी आग से धुआं ऊंचे झंझरी पूरे शिवा बख्तावर की बस्ती में घुसने से दर्जनों महिला पुरुष बच्चे परेशान हैं। कूड़े के ढेर में सुलग रही आग नहीं बुझने से ऊंचे झंझरी पूरे शिवा बख्तावर नगर बस्ती के लोगों में आक्रोश पनप रहा है। पूरे शिवा बख्तावर के निवासी युवा समाज सेवी सर्वेश उर्फ ज्ञान मिश्रा ने कहा, पूर्वा हवा चलने पर जल रहे कूड़े के ढेर से उठ रहा धुआं बस्ती लोगों के घरों में घुसता है। बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन इस डंपिंग ग्राउंड को दूसरी जगह शिफ्ट कर कूड़ा नहीं उठाया गया तो हम इस बस्ती से। गोंडा के डंपिंग जोन में आग लोगों की परेशानी का सबब बन रहा है। शहर के गोंडा नगर पालिका परिषद गोंडा के डंपिंग जोन में तीसरे दिन गुरुवार को भी सुलगती रही आग, दिन प्रतिदिन लोगों का सांस लेना भी दुभर। समाज सेवी सर्वेश मिश्रा उर्फ ज्ञान अधिकारियों से शिकायत करते रहते हैं कि कूड़े के ढेर को हटवाने को लेकर नगर पालिका परिषद SDM कार्यालय तक, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हवा के प्रचंडता पूर्वक चक्रण करने वाले स्तंभ को बवंडर कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह और कपासी वर्षी बादल दोनों को जोड़ता है। कुछ दुर्लभ अवस्थाओं में ऐसा भी पाया जाता है कि ये कपासी मेघ का आधार होता है। इन्हें अक्सर ट्रीट्स अथवा चक्रवात कहा जाता है। ये शाहजहाँपुर जिले के तहसील गुलाना में ग्राम बोलाई में देखने को मिला, जहाँ आसमानी बवंडर तेज रफ्तार से जमीन पर आती है और पौधे को उखाड़ कर ले जाती है।